तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो वीडियो का थंबनेल देख के आप सब लोगों को एक बेसिक आइडिया तो आ ही चुका होगा कि वीडियो किस बारे में होने वाला। तो जी हाँ, इस वीडियो में मैं आज आपको एक YouTube के नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो अगर आप एक नए क्रिएटर हो गए, नए यूट्यूबर हो गए, तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि जो नए क्रिएटर होंगे उन लोगों को ये बेसिकली बहुत ज्यादा मतलब ये समझ में आ जाएगा कि जब भी आप एक नया चैनल ओपन करते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में मतलब एक ही टेंशन रहता है कि इस वीडियो पे मैं जो भी अपलोड करूंगा इसमें व्यूज कैसे आएंगे या फिर मेरे सब्सक्राइबर वगैरह कैसे बढ़ेंगे। तो यही जो प्रॉब्लम है इसी के ऊपर सॉल्यूशन मतलब निकालने के लिए यूट्यूब ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है न्यू टू यू। तो अभी आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो इस तरीके का एक टैब आपको अगले महीने से यूट्यूब के मतलब जो भी डेस्कटॉप वर्जन हो या फिर आपके मोबाइल का वर्जन हो उसमें आपको इस तरीके से एक टैब दिखेगा। तो इस बेसिकली ये टैब का यूज क्या होगा, तो जैसे कि अभी आप एक नए क्रिएटर हो तो आपको पता ही होगा कि आपके व्यूज कम आएंगे। आपके व्यूज क्यों कम आते, क्योंकि आपकी कोई ऑडियंस नहीं रहती, आपके कोई सब्सक्राइबर नहीं रहते। तो आपके जब व्यूज आएंगे तो लोगों को आपके वीडियोज वगैरह अच्छे लगेंगे तो आपके सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ जाएंगे। तो यही मतलब ये जो एम था ये सामने रख के यूट्यूब ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है न्यू टू यू। तो ये न्यू टू यू टैब एक्चुअल में है क्या, तो जैसे आप इस टैब के ऊपर टैप करोगे तो आपको पता चलेगा जैसे आप आपका जो इंटरेस्ट रहेगा मतलब जो भी आप सर्च करते हो, जैसे आप कुछ टेक रिलेटेड वीडियोस देखते हो तो आप टेक रिलेटेड वीडियोस सर्च करते हो या फिर कुकिंग रिलेटेड वीडियोस देखते हो तो वो आप सर्च करते हो। तो ये जो आपकी सर्च हिस्ट्री है इसके इसके ऊपर से ही मतलब आपको जब भी आप यूट्यूब ओपन करते हो तो इसी रिलेटेड वीडियोस आपके होम पेज पे आपको दिखते होंगे। ये सब तो ये बात तो आपको पता ही होगी। तो अभी क्या होगा, ये न्यू टू यू टैब पे अगर आप टैप करोगे तो वहां पर भी आपका जो इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट के रिलेटेड ही वहां पे वीडियोस दिखेंगे, लेकिन ये सारे जो वीडियोस रहेंगे वो जो बड़े बड़े क्रिएटर रहेंगे उनके नहीं रहेंगे। जो यूट्यूब पे अभी नए क्रिएटर्स हैं मतलब अभी अभी जिन्होंने यूट्यूब चालू किया तो वो उन सब लोगों के वीडियोज आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो होगा क्या, इससे जो नए क्रिएटर है उनके भी मतलब चैनल ग्रो होने में मदद हो जाएगी। मतलब जैसे आप उन टैप पे टैप करोगे तो वहाँ पे आपको जो पुराने आपने जो सब्सक्राइब किए हुए जो यूट्यूबर्स हैं उनके वीडियोस वहाँ पे नहीं दिखेंगे। जो नए यूट्यूबर्स हैं सिर्फ उनके लिए ये टैब है तो वहाँ पे उनके ही वीडियो वहाँ पे आपको ज़्यादा दिखेंगे। तो उनके क्या, अभी आप वहाँ पे जाओगे आपको अगर कोई वीडियो अच्छा लगता है तो आप क्या करोगे उनके चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो इस तरीके से क्या होगा, उनके व्यूज भी बढ़ जाएंगे और जो नए क्रिएटर है उनको थोड़ा वैसे मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ भाई अपने व्यूज बढ़ रहे, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर रहे लोग, तो वो भी अच्छा अच्छा कॉन्टेंट ऐड करते जाएंगे। और जैसे उनके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो वो भी मतलब ग्रो होते जाएंगे, तो उनका भी चैनल मतलब ग्रो होते जाएगा और वो भी मतलब छोटे से मतलब उनका ग्रोथ होने में थोड़ा आपको मतलब पहले कैसे था कि ग्रोथ होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपके व्यूज भी आ जाएंगे, आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे। और अगर इस टैग में जाके आपका वीडियो मतलब लोगों को लोग देख रहे हैं, लोगों को अच्छा लगा तो लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अगर आप यहाँ से ग्रो हो गए, यहाँ से आप थोड़ा सा मतलब आपके चैनल को बूस्ट मिल गए, तो होगा क्या, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स क्रिएटर्स रहेंगे उनके जो आप देख सकते हो कि रिकमेंडेशन में आपको बहुत सारे रिलेटेड वीडियोस दिखते हैं तो वहाँ पे आपका वीडियो आ जाएगा। तो कोई भी मतलब अगर बड़े यूट्यूबर क्रिएटर का वीडियो देख रहा होगा तो वो नीचे तो देख ही लेगा कि हाँ भाई इसका वीडियो है तो ये भी ओपन कर लेगा, तो वो वहाँ से आपका वीडियो ओपन कर लेगा तो वहाँ पे आपको अच्छा लगा उनको वीडियो तो आपका चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। तो इस तरीके से आपके चैनल का ग्रो होते रहेगा। तो आपको करना क्या, अभी बस आपका जो कंटेंट है वो अच्छा कंटेंट आपको अपलोड करना है, यूजर फ्रेंडली कंटेंट आपको अपलोड करना है, जिससे होगा कि अगर लोगों को आपका कंटेंट पसंद आ गया तो आपका जो ग्रोथ है वो मतलब रैपिडली आपका ग्रोथ हो जाएगा। तो ये एक यूट्यूब ने एक नया फीचर यहाँ पे लॉन्च किया है जो अभी अगले महीने से यूट्यूब मतलब आपके सारे प्लेटफॉर्म मतलब मोबाइल पर डेस्कटॉप पे आपको देखने मिल जाएगा। जैसे मैंने स्क्रीन पे भी आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ किस तरीके से ये होगा। तो इस तरीके से ये न्यू टू यू टैब आ जाएगा। तो ये जो फीचर है ना इसका सबसे ज्यादा फायदा ये नए क्रिएटर से नए यूट्यूबर से इनको होने वाला है, क्योंकि इनका जो चैनल का ग्रोथ है ये अभी थोड़े स्पीड से हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, इस नए फीचर के बारे में आपको बताना था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।